हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, जिसमें हम लोग फिलहाल ज्योग्राफी देख रहे हैं। इस ज्योग्राफी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लैंडफॉर्म के बारे में, जहां पर वेरियस लैंडफॉर्म देखे थे हम लोगों ने, जैसे विंड के कारण से कोस्टल, फिर उसके बाद से रिवर के कारण से ग्राउंड वाटर, और बहुत सारे लैंडफॉर्म हम लोगों ने देखे हुए थे। इन सारे लैंडफॉर्म पे एक और सेशन लेकर के मैं आऊंगा, जहां पर क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेंगे। इस सेशन में हम लोग देखने वाले छोटा सा टॉपिक है सुनामी के बारे में, सुनामी को देखेंगे। तो फिर देखते हैं क्या चीज है सुनामी में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बिफोर दैट, ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और हमारे ये कुछ ऑनगोइंग कोर्सेज हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल, एज वेल एज द टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन। सुनामी के बारे में बात करें तो सुनामी बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, जिसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये हार्बर वेव है, जिनको जापानी टर्म में सुनामी बोलते हैं। सुनामी एक बहुत ही लंबी, लॉन्ग रेंज वेवलेंथ होती है, जो कि बड़े लार्ज बॉडी में जनरेट होती है, जैसे कि ओशियन हो गया, या फिर बहुत बड़े बड़े अगर कोई लेक्स होते हैं तो वहां पर जनरेट हो सकते हैं। छोटी बॉडी में जनरेट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, इसके पीछे भी हम लोग रीजन देखेंगे, व्हाई सुनामी कैन नॉट जनरेट इन ए स्मॉल वाटर बॉडी लाइक लेक्स। ठीक है, बाकी इसके बाद से अगर आगे बढ़े तो दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज टाइडल वेव्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ऑल दो द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन प्ले नो रोल इन देयर फॉर्मेशन। तो एक्चुअल में जैसे टाइडल टाइड्स वगैरह फॉर्म तब होते हैं जब सन, मून और अर्थ का इफेक्ट देखने को, ग्रेविटेशनल वेव का इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। बट यहां पर दीज आर नॉट एनी वे रिलेटेड विद दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेज। अर्थक्वेक कई सारे आ रखे हैं, जैसे 2004 में आया था, जहां पर इंडियन ओशियन सुनामी आई थी अर्थक्वेक के कारण से। फिर उसके बाद से वोल्केनिक इरप्शन के कारण से सुनामी आती है, लैंडस्लाइड के कारण से सुनामी आती है, अंडर वाटर एक्सप्लोजन के कारण से सुनामी आ सकती है। सारी सुनामी आ सकती है। क्यों आ सकती है, रीजन देखेंगे अभी हम लोग, तो क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी इसके बाद से निकारागुआ, चिली, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर काफी ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक रीजियंस पाए जाते हैं, मतलब प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती रहती हैं, और इस प्लेट इंटरैक्शन के कारण सुनामी जनरेट होती रहती हैं। पैसिफिक इसमें बहुत ज्यादा कह लीजिए कि जो होता है प्रोन है सुनामी के लिए। तो अब पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद से रीजन देखेंगे, और रीजन के बाद हम लोग सुनामी का बनना देखेंगे क्या चीज है। तो पहले देखते हैं किसी एक वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि वेव होती क्या है, वेव होती है ये, इस तरीके से हमारी वेव जनरेट होती है और आगे की ओर प्रोपिगेट हो रही होती है। हालांकि वेव कई तरीके के होते हैं, वेव जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। यहां पर जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो ट्रांसवर्स वेव के बारे में बातें करने वाले हैं। यहां पर एक टर्म होती है जिसको हम लोग वेव क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। तो ये जो टॉप सरफेस आप देख रहे हैं, ये उठा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और यहां पर जो नीचे आ रखा है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेव हाइट। ये बेसिकली हो जाती है वेव हाइट। क्लियर, सेम वही चीज आगे बात करेंगे। आगे अगर देखें तो वेव एम्पलीट्यूड होती है। वेव एम्पलीट्यूड मतलब कितना हाइट ये अचीव कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एक वेव कितनी दूरी तय कर रही है, जो लेंथ होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, यानी कितनी दूरी ये ट्रेवल कर रही है। क्लियर हो गया। वेव पीरियड क्या होती है, एक इंटरवल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग वेव पीरियड बोलते हैं। वेवलेंथ के बारे में मैंने बता ही दिया, और वेव फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी जो स्पीड होती है उसी को हम लोग वेव फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। ये वो सरफेस है, या कह लीजिए ये सुनामी है जो जनरेट हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मान लीजिए कोई ट्रिमर जनरेट हुई अर्थक्वेक की, या किसी कारण से यहां पर वेव्स जनरेट हुई, और वेव जनरेट होने के कारण इसकी जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर गई और अल्टीमेटली वाटर को साइडलाइन कर दिया। ये वाटर साइडलाइन होने के कारण से यहां पर एक वेव जनरेट हो जाती है, और यही वेव आगे जाकर के जब
सरफेस पे या कह लीजिए कि जो होता है लैंड पे स्ट्राइक करती है तो सुनामी के रूप में निकल के आ जाती है। तो अर्थक्वेक रॉक द ओशियन फ्लोर यहां पर हो रही है, सेकेंड लेवल पे हो रही है जहां पर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रही है और पुश कर रही है, मतलब कि वेव्स जनरेट कर दे रही है। सेट ऑफ एन ऑसिलेशन विच इस तरीके से वेव जनरेट कर लिया और अल्टीमेटली जाकर के ये स्ट्राइक कर दे रहा है लैंड पे और यहां पर सुनामी जनरेट कर दे रही है। अब जरा हम लोग देखते हैं सुनामी जनरेट होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो रीजंस के फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा था, एक तो हो गया अर्थक्वेक, दूसरा हो सकता है वोल्केनो, तीसरी हो सकती है कि प्लेट इंटरैक्शन। इनफैक्ट प्लेट इंटरैक्शन को लेकर के हम लोग चलेंगे और सारा का सारा सिस्टम देखेंगे। जब आप देखेंगे यहां पर मान लेते हैं यह हमारा लैंड सरफेस है, दिस इज बेसिकली लैंड, और इस तरीके से यहां पर सबमर्ज हो गया है और यहां पर ये वाटर बॉडी मतलब कि कह लीजिए ओशन फ्लोर है। तो ये बेसिकली यहां पर आ जाता है ओशियन फ्लोर और यहां पर है कॉन्टिनेंटल फ्लोर, दिस इज कॉन्टिनेंटल फ्लोर। अब देखिए यहां पर ये वाटर फैला हुआ है। एक काम करते हैं वाटर को जरा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी दिखेगी। यहां पर हमारा वाटर का लेवल है और यहां पर वाटर अवेलेबल है। वाटर में होगा क्या कि जब भी ये पूरी वाटर से भरी हुई हमारा ओशियन फ्लोर है, दिस इज ओशियन फ्लोर, आवर ओशियन फ्लोर। अब होगा क्या, ये वाटर अपनी नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन होगा क्या, मान लेते हैं कि यहां पर प्लेट टेक्टोनिक प्लेट इंटरैक्शन हो गया। तो प्लेट इंटरैक्शन होगा तो सीधी सी बात है होगा क्या, सिस्मिक वेव्स जनरेट हो जाएंगी, सिस्मिक वेव या कोई भी एक वेव जनरेट हो जाएंगी। इस वेव के कारण से प्रोपेगेट करेगा आगे की ओर और ये प्रोपेगेशन अल्टीमेटली होगा क्या, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे किसको, वाटर को। तो ये एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो रही होगी, एनर्जी ट्रांसफर, ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई है वाटर को। अब वाटर के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो वेव्स ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब वेव जनरेट होनी शुरू हो गई, ये हमारी इस तरीके से वेव जनरेट हो गई। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि केवल और केवल वेव जनरेट करना है हमें, तो वेव जनरेट हो गई ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक के कारण से वेव जनरेट हो सकती है, ये चीज समझ में आ गया। वोल्केनो के कारण से सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर वोल्केनो का भी, यहां पर वोल्केनो के साथ भी मान लेते हैं ये हमारी मान लेते हैं कि ओशन फ्लोर है, यहां से वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट होती है। तो वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट होगी तो सीधी सी बात है यहां पर भी एक वायलेंट तरीके से निकलेगा, वायलेंट तरीके से निकलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, हीट एनर्जी रहेगी, ये सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा वाटर को और वाटर में अगेन जो है इस तरीके की वेव जनरेट हो जाएंगी। अर्थक्वेक के बारे में तो आप लोगों ने समझ ही लिया क्या चीज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हाँ वेव्स जनरेट हो सकती हैं। अब जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव्स के बारे में देखना कि वेव्स आखिर में जो जनरेट हो रही है उस जनरेशन के कारण से हमारी सुनामी कैसे जनरेट हो जा रही है। फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुनामी कैसे जनरेट हो रही है। अब यहां पर देखिए एक बार फिर से मैं सरफेस को क्लियर कर देता हूं ताकि सरफेस दिखना शुरू हो जाए। ओके, यहां पर देखिए वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे को आ रखी है। अब देखिए होता क्या है कि जो वेव वाटर वेव वेलोसिटी होती है, वाटर वेव वेलोसिटी ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेप्थ, और ये डेप्थ का मतलब क्या है, डेप्थ का मतलब यही है कितनी गहराई है। तो यहां पर देखिए अगर गहराई बहुत ज्यादा है, सपोज यहां पर गहराई बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर की गहराई है, 5000 मीटर की गहराई है, यहां पर भी अगेन 5000 मीटर की गहराई होगी, होगी कि नहीं, बराबर ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कम होनी शुरू हो जाएगी, 1 सेकेंड, यहां पर गहराई जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मान लेते हैं कि इधर 4000 की गहराई है, 4000 मीटर, यहां पे 3000 मीटर, यहां पे 2000 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, ये 100 मीटर हो गया है, ये 1000 मीटर हो गया है, यहां पर 3000 मीटर हो गया है, ठीक है। तो यहां पर लैंड आ गया, इस वजह से सरफेस इस तरीके से होना शुरू हो गया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 5000 मीटर की दूरी है और मान लेते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 km/h, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर होगी, सही बात है, क्योंकि डेप्थ सेम है, 5000 इसकी भी 5000 इसकी भी, वेलोसिटी दोनों की दोनों बराबर होगी। लेकिन जैसे ही 4000 पे आएगा इसकी वेलोसिटी घट करके 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और आगे 300 वाले पे 30 हो जाएगी,
आगे 20 हो जाएगी, आगे 100 ही हो जाए, 10 ही हो जाएगी। यानी कि हुआ क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि ट्रेन के कुछ डब्बे हैं, ट्रेन के डब्बे हैं मान लेते हैं ये, जहां पर इसकी वेलोसिटी है 50, इसकी वेलोसिटी है 40, इसकी वेलोसिटी है 30, इसकी वेलोसिटी 20 और इसकी वेलोसिटी 10। समय के साथ क्या होगा, विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा, ये 20 वाली इस 10 वाले के ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, आगे से रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये इसके ऊपर में चढ़ जाएगी, टॉपल कर जाएगी। सिमिलरली 30 वाली 20 के ऊपर, 40 वाली 30 के ऊपर, 50 वाली 40 के ऊपर चढ़ जा रही होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि सारी की सारी ये जो ट्रेन की बोगियां है या ट्रेन के जो भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे 10 नंबर पे ही चढ़ जाएंगे। तो 10 के ऊपर ये 20 वाली हो गई, 20 के ऊपर ये 30, फिर उसके बाद 40, 40 के ऊपर 50। तो इस तरीके से जो ये छोटी बॉडी थी, कह लीजिए वाटर की जो छोटी बॉडी थी, यहां पर जैसे ट्रेन की छोटी बॉडी है, वो काफी बड़ी बॉडी में जनरेट हो गई, तब्दील हो गई, क्योंकि यहां पर स्पीड का वेरिएशन हमें देखने को मिला है। ये सेम चीज हमें यहाँ वाटर बॉडी में भी देखने को मिलती है। यहां पर जो ये छोटी वेव आ रही थी, वो एक्चुअल में पीछे की जितनी भी वेव्स हैं उनके साथ में मिल जा रही होती और एक बहुत बड़ी सी वेव बना दे रही होती। और इस तरीके से जब भी ये लैंड की तरफ में स्ट्राइक करेगा, इस लैंड पे स्ट्राइक करने पे बहुत ही हाइट वाली वाटर वेव निकल के सामने आ जाएगी, जिसको कि हम लोग सुनामी बोल रहे हैं। अब आई गेस आप लोगों को सुनामी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे जनरेट हो रही है। दो मिनट में छोटे से फटाफट बता देता हूं, डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण से यहां पर वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर रही होती है, क्योंकि इसकी डेप्थ डिफरेंशिएट कर रही होती है। डेप्थ के डिफरेंशिएट करने के कारण जो लैंड के पास में वेव रहती है उसकी स्पीड कम रहती है, पीछे वाले वेव की स्पीड ज्यादा होती है। समय के साथ लैंड के पास में जो वेव है वो पुरानी पीछे की वेव के साथ में आपस में इंटीग्रेट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, और वाटर की एक बहुत ही लार्ज बॉडी सामने देखने को मिलती है, जो कि लैंड पे स्ट्राइक करती है और अल्टीमेटली सुनामी के नाम से जानी जा रही होती है। क्लियर हो गया पूरा चीज क्या है। सुनामी की कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। जैसे सुनामी जो है वो सुनामी वेव्स, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग वेवलेंथ एंड पीरियड। सीधी सी बात है, ये वेव काफी इस तरीके से होती हैं, काफी ज्यादा इसकी लेंथ होती है। ओशियन है, बड़ी बॉडी है, जनरेट होने के लिए बड़ी चीज चाहिए, और जनरेट ये इस तरीके से हो रही है जहां पर वेवलेंथ भी काफी लॉन्ग लिया जा रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये ओशियन में या तो तब्दील ओशियन में केवल और केवल जनरेट होगी, या फिर लार्ज वाटर बॉडी में ये जनरेट होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यही कह रही है कि लॉन्ग वेवलेंथ होगी। सुनामी जो होती है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द विंड जनरेटेड वेव, क्योंकि विंड जनरेटेड वेव जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है, जबकि ये काफी बड़ी है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सुनामी बिहेव एज अ शैलो वाटर वेव। देखिए शैलो वाटर वेव बिहेव करती है क्यों, क्योंकि शैलो वाटर पे आने के बाद ही ये जो वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, वो एक्यूमुलेट होकर के बड़ी बॉडी में जनरेट हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दे बिहेव एज अ शैलो वाटर वेव। इनफैक्ट जो है, अगर ओशियन में, मिड ओशियन में है, जैसे मान लेते हैं यहां पर आप मिड ओशियन में है, तो आपको कुछ पता लगा क्या कि सुनामी आई है? नहीं पता लगा, नॉर्मल वेव है, सीधी सी बात है, नॉर्मल वेव है। मतलब यहां पर अगर कोई शिप है भी, तो इस शिप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको लगेगा नॉर्मल वेव आ रखी है। इनफैक्ट यहां तक में अगर कोई भी शिप है तो उसे लगेगा कि ये नॉर्मल वेव है, बता नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, यहां पर जब रहेंगे तो कहेंगे आप कि हाँ नॉर्मल वेव नहीं है। इनफैक्ट 2004 की कहानी मैं थोड़ी सी आप लोगों को सुना देता हूं। होता हुआ क्या था कि यहां पर जब सारी की सारी जितनी भी ये वेवलेंथ वाली जितनी भी वाटर वेव्स है, ये एक्यूमुलेट हो गई और लैंड पे स्ट्राइक कर गई। स्ट्राइक करने से पहले हुआ क्या कि ये जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जब एक्यूमुलेट कर रही थी, तो वाटर रिसीड कर गया। वाटर रिसीड क्यों किया, क्योंकि सीधी सी बात है इसकी वेलोसिटी कम है, तो आगे जो वेव पहुंची है वो खाली हो गई है, जनरेट हो गई है, निकल गई है। पीछे से आने में टाइम लगेगा अब, क्योंकि एक्यूमुलेशन होते हुए आ रही है। तो यहां से हुआ क्या था कि बहुत सारी ओशियन सरफेस एक्सपोज हो गई थी सरफेस को, तो यहां पर लोग जो घूम रहे थे बीच एरिया में, वो अब कहे कि यार देखो नया सरफेस निकल के आया, चलो उधर भी घूम करके आते हैं।
लेकिन इनको नहीं पता था कि पीछे से एक बहुत बड़ी वेव आ रही है। जैसे ये वेव आई लार्ज वाटर बॉडी के बीच में, लार्ज वाटर बॉडी बना करके इन सब लोगों को अपने साथ अपने घर लेते चली गई और ये लोग फिर इन लोग का बहुत तेजी से सिलेक्शन हो गया। चलिए खैर, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज है, सुनामी बिहेव एज ए शैलो वाटर वेव बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेव लेंथ। दे हैव अ पीरियड इन रेंज ऑफ 10 मिनट to 2 hours एंड वेव लेंथ एक्सीडिंग 500 किलोमीटर। या यहाँ पर रेट ऑफ एनर्जी लॉस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ होता है। जैसे कि क्या चीज है, जो एनर्जी लॉस है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। इसका मतलब क्या है, वेव लेंथ यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc/λ होती है। ये होती है ना एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी तो खैर लॉस हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में अगर बात कर लें तो ये कुछ डेप्थ के ऐसे होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके समझने के लिए। सो सुनामी लूज लिटिल एनर्जी एज दे प्रोपेगेट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इनकी काफी कम होती है, सॉरी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, इस वजह से एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। इस वजह से एनर्जी ये काफी ज्यादा अपने अंदर में सस्टेन करके रखे रहते हैं। तो ट्रेवल एट हाई स्पीड इन डीप वाटर, और जैसे जैसे ये शैलो वाटर आती है वैसे वैसे स्पीड जो होती है गिर जाती है, क्योंकि ये फॉर्मूला है सामने आपके। सुनामी दैट अकर्स 1000 meters डीप इन वाटर हैव स्पीड मोर देन 350 km/h और 6000 meters में इट कैन ट्रेवल 850 km/h। देख सकते हैं डिफरेंस नियर अबाउट हाफ हो चुका है और इस वजह से ये टॉपलिंग स्टार्ट हो जाती है। सुनामी वेव्स आर नॉट नोटिस्ड बाय सी जब ये अवे ओशन में होते हैं, तो देख लिया हम लोगों ने क्यों नहीं नोटिस होगा। देयर एम्पलीट्यूड इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद देयर वेवलेंथ। तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो पता ही नहीं चलता। जैसे आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ काफी लंबी है, इनकी एम्पलीट्यूड जो होती है पता ही नहीं चल पा रही है, लेकिन जब ये आपस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये इसी वजह से कहा जाता है कि दे आर अननोटिस्ड इन द डीप ओशन। जैसे ही शैलो वाटर में आएंगे एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट करेंगे और अल्टीमेटली इस तरीके का बड़ा वाटर बॉडी बना करके सुनामी निकाल देंगे। और वही चीज यहां पर बोलती भी है कि व्हेन सुनामी अप्रोच शैलो वाटर हाउ आर द वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीज। क्लियर हो गया क्या चीज है। फिर उसके बाद से द वेव में ओकेजनली रीच अ हाइट ऑफ 20 to 30 meters। देख सकते हैं कि 20 से 30 मीटर की हाइट पर ये अचीव कर लेता है और हार्बर एरिया में आकर के ये सुनामी वेव काफी ज्यादा कहर मचा रहा होता है। तो हम लोगों ने सुनामी के बारे में सारा कुछ देख लिया, तो अब हम लोग जरा चलते हैं और देख लेते हैं सुनामी की वार्निंग सिस्टम क्या चीज है। पहले हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, फिर हम लोग इंडियन लेवल पे देखेंगे कि क्या कुछ किया गया है सुनामी से बचने के लिए या सुनामी वार्निंग के लिए। देखिए, सुनामी एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जिसको कभी आप रोक नहीं सकते हैं, आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं इसको मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करने का मतलब कि आप इससे तैयारी रख सकते हैं कि इन केस अगर कोई डिजास्टर लाइक सुनामी आती है तो हम लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे अपने आप को वार्न करेंगे। तो इसके लिए कई सारे वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करें अगर। तो देखिए, व्हाइल अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस फॉर पोटेंशियल सुनामी। सुनामी जैसे अर्थक्वेक के बारे में आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहां पर तो सीधी सी बात है, पी वेव और एस वेव जनरेट होती है। जब तक ये पी वेव और एस वेव सिस्मिक स्टेशन पे नोट नहीं की जाएंगी तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा। लेकिन सुनामी के लिए आपको एक 3 घंटे का समय मिल जाता है क्योंकि वाटर जो है वो रिसीड करना शुरू कर देता है। वाटर रिसीड करने के पीछे रीजन यही है कि वेलोसिटी अलग अलग वेव क्रेस्ट की अलग अलग होती है और अकॉर्डिंगली यहां पर चीजें मैनेज हो जा रही होती है। तो 3 घंटे 4 घंटे का एक समय टाइम पीरियड मिल जाता है हमें पूरे के पूरे एरिया को खाली कराने के लिए, तो इसलिए हमें एक वार्निंग सिस्टम की जरूरत होती है। हालांकि 2004 में जब सुनामी आई थी तो बहुत ज्यादा ही डिवास्टेशन हुआ था, बहुत बड़ी डिजास्टर थी। इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और कुछ हद तक इंडिया पे भी काफी ज्यादा फर्क हमें देखने को मिला था। और उसके बाद से एक वार्निंग सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था एंड इसको इंडियन ओशियन में किया गया था। बेसिकली इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा आती है ये, पैसिफिक में और इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा सुनामी आती है। 1965 में एक सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन थी NOAA, इन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया था। NOAA का मतलब है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन।
और जितने भी पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं, पैसिफिक रिम कंट्री का मतलब जितने भी इस पैसिफिक के चार ओर में कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, फिर इधर से आ जाइए तो जापान हो गया, रशिया हो गया, फिर इधर से हांगकांग हो गया, तो जितनी भी आ रही होती हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, सारी की सारी इसकी रिम कंट्रीज बन जाती है और वो सारी इस बॉडी के साथ में एसोसिएटेड होती है, वार्निंग सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड होती है। इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसको बुलाता है डार्ट गेज सिस्टम। इस डार्ट गेज का मतलब होता है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। इस तरीके से ये वार्निंग सिस्टम बता रहे होते हैं। हर एक गेज में हैज अ वेरी सेंसिटिव प्रेशर रिकॉर्डर ऑन द सी फ्लोर एंड डेटा इज जनरेटेड वेयर एवर चेंज इन वाटर प्रेशर चेंज। जैसे ही वाटर प्रेशर चेंज होती है हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं। इनफैक्ट अब तो खैर जैसे सोनार के थ्रू भी अब चीजें देख रही होते हैं और सेटेलाइट का भी यूज किया जा रहा होता है इस प्रेशर को निकालने के लिए, बट ज्यादा हमें अच्छा एक पिक्चर मिलता है हमें इस डार्ट सिस्टम से। ठीक है, तो डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द सर्फेस बॉय वेन विच देन रिले इट ओवर द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के माध्यम से वही आगे जो होता है हम लोग प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। हवाई में भी एक मॉनिटर सिस्टम लगाया गया जिसका नाम है पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर, और यहां से भी हम लोग सुनामी की इनपुट्स को ले रहे होते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा वार्निंग जो होती है वो इश्यूड कर दी जाती है। इंडिया में अगर बात करें कि इंडिया में क्या सिस्टम है, तो इंडिया में हम लोगों ने बहुत ज्यादा आज की डेट में डेवलपमेंट कर ली है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और एक नया सिस्टम इनकॉइस लगा के रखा गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या चीज है, वन बाय वन करके बात करें अगर। तो देखिए 2004 के बाद से हम लोगों ने भी जैसे वहां पर डार्ट था वैसे ही हम लोगों ने भी अपना एक डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया और इसको इंडियन ओशियन में हम लोगों ने सिस्टम को इंस्टॉल करके रखा है। वहां पर हम लोग प्रेशर की जानकारी लेते हैं कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर बहुत ही एब्रप्ट चेंज होता है तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं कि कोई ना कोई मिस हैपनिंग या कोई ना कोई डिजास्टर आने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड और जितने भी पैसिफिक के या फिर कह लीजिए जितने भी आइलैंड नेशंस है उनके साथ में एक कोलैबोरेशन बना के रखी हुई है और इस तरीके से आपस में प्लान करते रहते हैं सुनामी के बारे में। इसके अलावा नेशनल सुनामी अर्ली सेंटर भी स्थापित किया गया है जहां पर इंडियन ओशियन में हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहते हैं, अर्थक्वेक देखते रहते हैं। बाकी इनक्वायर्स हैदराबाद भी डेवलप किया गया है जो कि इनक्वायर्स का पूरा नाम समझ लीजिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की पूरी सेटअप है और इस तरीके से ये सिस्मिक डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और अर्थक्वेक के कारण से होने वाले सुनामी को ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं, इन सोशल मीडिया साइट्स का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।